ए वाणी जो जियो जान है तिस अंतर रवे हर नाम। वाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए, एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरु बाणी कह सेवक जन मन, पर तख गुरु निस्तारे। तिलंग महला चौथा, हर किया कथा कहानिया, गुरमीत सुनाइया। बलहारी गुरे अपने, गुर को बल जाइया। हर किया कथा कहानिया, गुरमीत सुनाइया। बलहारी गुरे अपने, गुर को बल जाइया। आए मिल गुर सिखे आए मिल, तू मेरे गुरु के प्यारे। रहा हर के गुण हर पावन दे, से गुरु ते पाए। जिन गुर का पाना मन्या, तिन कुम कुम जाए। जिन सतगुर प्यारा देखिया, तिन को हो वारी। जिन गुर कीती चाकरी, तिन सद बलहारी। हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा। गुर सेवा ते पाईया, गुरमुख निस्तारा। जो हर नाम ते आएंदे, ते जन परवाना। तिन मिटो हो नानक वारिया, सदा सदा कुर्बाना। सा हर तेरी उसतत है, जो हर प्रभ पावे। जो गुरमुख प्यारा सेम दे, तिन हर फल पावे। जिन्ना हर सेती पिरहड़ी, तिन्ना जी प्रभ नाले। ओए जप जप प्यारा जीवन दे, हर नाम समाले। जिन गुरमुख प्यारा सेवया, तिन को कुम जाया। ओए आप छुटे परिवार से, सब जगत छड़ाया। गुरु प्यार हर सेवया, गुर धन गुर धनो। गुर हर मार्ग दसिया, गुर पुन वड पुनो। जो गुर सिख गुर सेव दे, से पुन प्राणी।
जन नानक तिन को वारिया सदा सदा कुर्बानी। गुरमुख सखी सहेलिया से आप हर पाइया हर दरगह पहनाइया हर आप गल लाइया। जो गुरमुख नाम ते आए दे तिन दर्शन दीजा हम तिनके चरण पखाल दे तूड़ कोल कोल पीजा पान सुपारी खातिया मुख बीड़िया लाइया। हर हर कदे न चेते ओ जम पकड़ चलाइया। जिन हर नामा हर चेतया हिरदय उर तारे तिन जम नेड़ न आवई गुर सिख गुर प्यारे। हर का नाम निदान है कोई गुरमुख जान है। नानक जिन सतगुर पेटिया रंग रलिया मान। सतगुर दाता आखिया तुस करे पसाओ हौ गुर विट हो सदवारिया जिन दितड़ा ना हो। सो धन गुरु सबास है हर देश ने हौ वेख वेख गुर विगसया गुर सत गुर देहा। गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जिन सुन सीखा गुर मन्या तिन्ना भुख सब जावी। हर का मार गे आखिया तोह कित बिद जाइया। हर हर तेरा नाम है हर खर्च लै जाइया। जिन गुरमुख हर आराध्या से सा वडदाने हौ सतगुर को सदवारिया गुर बचन समाने। तू ठाकर तू साहेबो तू है मेरा मीरा तुद पावै तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा। आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी जो तिस पावै नानका साई गल चंगी। आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी जो तिस पावै नानका साई गल चंगी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वालों उचारी पवित्र बाणी तप प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करै दी विचार आप जी नूं सरवण करा रहे हैं। अति सत्कारयोग बाबा बंता सिंह जी संप्रदाय बहादुर बाबा बिधी चंद जी मुंडा पिंड तरन तारण साहिब वाले उन्हां पासों आ बड़े प्यार नाल सवैयां दी विचार सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹਟ ਸੱਚ ਰਤਨੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਈ ਅੰਨਾ ਜੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਣ ਹਾਰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਲਾਭ ਸਦਾ ਖਟਿਆ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਮੂਕ ਉਚਰੈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖੱਟ ਪਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ ਅੰਧ ਲਖੈ ਬਦਰੋ ਸੁਣੈ ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਨਚਿਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੋ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦਿਗਰ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੈ ਜੋ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਂਤੀ ਨੰਬਰ ਰੰਗ ਉੱਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਆਓ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਲਕ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਵਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18-10-20 ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਵਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਤ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ
और गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपनी अगम्मी ताकत नाल एक ओंकार तो लैके राग माला तक सारी बाणी दमदमा साहब की धरती ते उचारी। वह पवित्र हस्त कमल वह बाणी लिखण दा सुभाग भाई साहब भाई मनी सिंह उन्हां नूं प्राप्त होया सी। और इसे तरह कलगीधर पातशाह ने अपनी बाणी जो श्री दसम ग्रंथ साहिब विच अंकित है वह भी भाई साहब भाई मनी सिंह हुणा पासों आप लिखवाई सी। आओ श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की छत्र छाया हेठ जतन करिए इस बाणी दे अर्थ करन दा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी त्वै प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करै नितो संत उभार गनी मन गारै पशु पशु नग नाग नरा तप सर्व समय सब को प्रतपारै। देखो बाणी दे अर्थ आरंभ करन तो पहला अर्थ करन वाला ते अर्थ सुनन वाला इस गल नूं हिरदे विच वसा लवे भी गुरबाणी दी जिहड़ी विचार है। करन वाला ये कदे दावा नहीं कर सकता भी जो उसने अर्थ कीते ने यही अखीर ने जां जो मैं अर्थ कीते ने इहदे तो लहदा कोई अर्थ है नहीं इहदे नालों उत्तम अर्थ कोई कर सकदा नहीं। गुरबाणी है समुंदर ते समुंदर बड़ा अगाध बोध गहर ते गंभीर हुंदा है। समुंदर विच चुभियां लाउण वाले बड़े बड़े टोबे तुहानू मिल जाणगे। गुरबाणी एक ऐसा समुंदर है सिख जगत अंदर ऐसे बड़े बड़े टोबे ने जेड़े बड़े बड़े गुरबाणी रूपी समुंदर दी डूंघाई विच जाके अर्थां रूपी हीरे मोती चुग लैंदे ने। और जिन्ना कोई डूंघा जांदा है उन्ने ही हीरे जवाहरात मोती वध हथ लगदे ने। पर दावा कर अगर कोई ये कह दवे भी यही अर्थ ने यही ठीक ने यही उत्तम ने ते गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह कहिंदे भुलेखे विच है जिन्ना ने पाया है जिन्ना ने प्रगट कर लिया है जिन्ना ने डूंघाई विच चुभी ला ली है ऐसी बरकत दा परमात्मा मालक है उदे विच इन्ने क गुण ने भी जिन्हें पाया है वो बयान नहीं कर सकया क्योंकि जुबान दे कोल उन्हें अल्फाज नहीं जिड्डी उदी हस्ती है। गुरु महाराज दी जिड़ी हस्ती है जिनहर पायो तिने छुपायो जिन्हें पाया है हुण गुंगा मठियाई खा भी लवे ते वो प्रगट अल्फाजा राही नहीं कर सकता भी आनंद कैसा है। ठीक है उदे चेहरे तो समझ लगेगी बड़ी अगम बोधे बाणी है बड़े बड़े भारत वर्ष अंदर सिख जगत अंदर टीकाकार मौजूद ने बड़े बड़े व्याकरण दे पिंगल दे विद्वान इत्थे मौजूद ने बड़े बड़े प्रोफेसर साहिबान गुणी ज्ञानी अर्थ करन वाले मौजूद ने ते कुछ अंतरीव तौर ते ब्रह्म दी अवस्था मानन वाले बड़े बड़े गुरमुख प्यारे मौजूद ने जिन्हां कोल दुनियावी विद्या ते नहीं है पर चुभी बड़ी डूंगी है उन्हां दी। हुण जे कोई इस गल दा दावा करे भी साडे विच जेड़ा भी कोई कथाकार है कोई टीकाकार है कोई प्रोफेसर साहिबान ने इस गल दा दावा कर देन भी साडे ही अर्थ सही ने
कोई गुणी ज्ञानी दावा कर दे साडे ही अर्थ सही ने। अजकल अपनी मत अनुसार बड़े अर्थ किए जाते ने, कोई तोड़ रहा है कोई जोड़ रहा है, पर दोवें ही पक्ष दावा करते पे ने। तोड़न वाला भी जेड़ा गुरु नानक की हस्ती तो मुनकर है, गुरु नानक नू मामूली इंसान समझ रहा है, हजे के बाणी ने ऐलानिया तौर पर कहा सी गुरु नानक की जेड़ी हस्ती है बुलंद है दिगर है, उदे वर्गा कोई दूसरा शरीर दुनिया ते पैदा नहीं होवेगा ना होया है। महाराज ने साफ किया है जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जी ही क्या बखाना है। गुरु नानक इन्या गुणा दा मालक है भी जुबान बयान नहीं कर सकती उदी हस्ती किड्डी कै तुल ब्रह्म समसर। गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे परमात्मा दे तुल है, एक कह रहा है वह आम इंसान है पर दावा करदा पिया है भी उहदे अर्थ ठीक ने। एक गुरमुख कह रहा है गुरु नानक ही निरंकार है, दावा कर रहा है भी उहदे अर्थ ठीक ने। आओ गुरु ग्रंथ साहिब कोलों पुछिए, क्योंकि हर सवाल का जवाब बच्चा अपने बापू को मंगदा है, ते साडा सारयां दा बापू है गुरु ग्रंथ साहिब। और दुनिया का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जेदा उत्तर गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह नहीं दे सकते। मैं गुरु ग्रंथ साहिब कोलों पुछण दी तां गल करदा क्योंकि ना तुहाडा ही रुतबा मायने रखदा है ते ना मैनू ही कोई पुछदा है। दावा असीं सारे करदे पए हां भी साडे अर्थ ठीक ने। गुरु ग्रंथ साहिब सब तो वड्डी हस्ती है, कहिंदे उहदे वर्गा कोई है नहीं है, क्योंकि जे गुरु नानक वर्गा कोई नहीं ते गुरु नानक दी ज्योति ते गुरु ग्रंथ साहिब विच सुशोभित है। मैं फिर कह दवा तुल ब्रह्म समसर गुरु नानक ना शरीर करके ना गुणा करके साडे वर्गा है। तुल बराबर किहदे जी, तुल ब्रह्म, ब्रह्म जो परमात्मा है, समसर उहदे समान है गुरु नानक, उहदी जोत अज गुरु ग्रंथ साहिब विच सुशोभित है। और गुरु ग्रंथ साहिब दा रुतबा वाहो वाहो बाणी निरंकार है, बाणी ही परमात्मा है। बाणी दा होना, शब्द दा होना परमात्मा दा वजूद है, परमात्मा दा होना है। ये बोल मौजूद ने, बाणी मौजूद है ते बोल परमात्मा दे ने, ते जदों बोल मौजूद ने ते जेदे बोल ने उदी हस्ती भी ते मौजूद है ना। जे मैं बोल रहा है ते दा मतलब मेरी मौजूदगी है बंगला साहिब विच। जे गुरु के वजीर बाणी उचार रहे ने, हुक्मनामा लै रहे ने, ये बोल गुरु नानक साहिब ने कहा सी साडे तुहाडे नहीं, जैसी मैं आवै खसम की बाणी तैसड़ा करी। ज्ञान में लालो फिर जदों बोल खसम दे ने ते खसम मौजूद है, जिथे जरे जरे विच मौजूद है उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब दे रूप विच मौजूद है। और याद रखियो तिस जे वडे अवरना कोए, उहदे कोलों पुछना है भी असल विच गुरबाणी दे अर्थ बड़े बड़े व्याकरण बड़े बड़े पिंगल दे विद्वान गुरमुख प्यारे जां साधु संत कौन ढुकवे अर्थ करदे ने, कौन ठीक अर्थ करदा है, तैनू गुरु ग्रंथ साहिब केड़ा पाउंदा है। इत्थे ते बड़े बड़े PhD तुरे फिरदे ने, दावा कर रहे ने भी जो साडे अर्थ ने उही ठीक ने। अनपढ़ बंदा नहीं जानेगा बाणी दे अर्थां नू। उहनां दा दावा इह है हजे के गुरु ग्रंथ साहिब ने कहा है मेरे दर ते डिग्रियां दी कोई गल नहीं है, मेरे दर ते अनपढ़ करके पछा नहीं हटाया जाएगा, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। दीन दुनिया दे मालक कहिंदे ने साडे लई अर्थां दी सही विचार ओ करदा है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने जो दावा कीता है, जो मोर लाई है, देखो मैं कहवांगा मेरे अर्थ ठीक ने,
बड़े बड़े विद्वान गुणी ज्ञानी कहणगे साडे अर्थ ठीक ने, असी सच दी गल करदे आ बाकी सारे झूठे ने। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी व्याकरण पिंगल दे धुरंधर विद्वाना ने यह दावे करने ते कर रहे ने साडे अर्थ शुद्ध ने। और संगत भी कई बार भंबल भूसे विच पै जांदी है भी किहदी सुणीए ते किहदी ना सुणीए। ते जे ते इन्नी समझ होवे भी गुरु ग्रंथ साहिब दी सुननी है फिर ते शंके दूर हो जाण। पर असीं गुरु दी सुणन नालों ज़्यादा प्रचारकां दे पिछे लगदे हां। ते मैं दस दवां भी प्रचारक प्रवान किहड़ा कीता है गुरु ग्रंथ साहिब ने, विचारक टीकाकार विद्वान प्रवान किहड़ा कीता है। पहली गल ते दुनियावी विद्वान व्याकरण पिंगल दे जां बड़े बड़े पीएचडी करन वाले ये दावा करना छड्ड देण भी सानू गुरबाणी दा संपूर्ण तौर ते बोध है, ज्ञान है, ये नहीं है। थोड़ा जिहा ख्याल रखियो, गुरबाणी जिहड़ी है व्याकरण अलंकार शास्त्र ये कवि जन ज्यादा जानते ने इन्हां गल्लां बारे। गुरबाणी का रुतबा ऐसा है व्याकरण अलंकार शास्त्र पिंगल अते संगीत नीमा तो बाणी बाहर है। व्याकरण के आधार ते तुसीं हर किताब विच सही जां गलत साबित कर सकते हो, बाणी ते व्याकरण तुहाडी नहीं टुकेगी। क्यों जी? क्योंकि व्याकरण संगीत नियम पिंगल व्याकरण जिहनूं ग्रामर कहिंदे हो तुसीं, आपां कई बार कह दिंदे ना कोई इंग्लिश बोल रहा होवे नहीं भाई तेरी ग्रामर ठीक नहीं है तू गलत बोल रहा है। बाणी नूं व्याकरण दे आधार ते कोई कह नहीं सकदा भी इदां होनी चाहीदी सी, आ बिंदी टिप्पी इदां लगनी चाहीदी सी, नहीं। थोड़ा जिहा ध्यान दिओ क्योंकि व्याकरण पिंगल ये संगीत ये नियम ये ग्रामर परमात्मा की कृपा नाल तुहाडे मेरे वर्गिया बंदिया दे पैदा किए हुए बंदिया दे पैदा किए हुए ग्रंथ ने। ये तुहाडे मेरे बंदिया की उपज है, नियम ने असी बनाए ने। जो बाणी इन्हां नियम विच बजदी नहीं है। क्यों नहीं बजदी? क्योंकि बाणी इस लोक की नहीं है। व्याकरण पिंगल संगीत नियम इस लोक की पैदाइश ने, साडे तुहाडे पैदा किए ने। कल नूं कोई पिंगल का ज्ञानी आके नहीं जी ये गुरु ग्रंथ साहब इदा नहीं इदा लिखना चाहिदा सी, दसम बाणी विच फारसी का कोई विद्वान आके इदा नहीं इदा लिखनी चाहिदी सी। पहला तो मन विचों शंका ये कढ दो भी अपने ज्ञान दे नाल गलतियां तुसी दुनियावी ग्रंथा विच कढ सकदे हो। गुरु ग्रंथ साहब दसम बाणी का जेड़ा रुतबा है गुरु नानक ने ऐलान कर दिता सी, लोको ये तुहाडियां गल्लां नहीं जो मैं लिखन लगा, ये तुहाडे देश दियां गल्लां भी नहीं, ये उत्थों दे बचन ने जिथे तुसी पहुंच ही नहीं पाउंदे। हुण कैनेडा अमेरिका दे बारे एक पंजाब विच रहण वाला बंदा की जानदा है, दावा कर रहा है इस आलम विच रहण वाला बंदा मेरे वांगू दावा कर रहा है उस आलम दी बाणी है, परलोक दी बाणी है, जन नानक बोलै ब्रह्म विचार। जो गुरु नानक साहब बोलते ने उटस द मेडिटेशन ऑफ द लॉर्ड, ये परमात्मा दे विचार ने, परमात्मा दी बोली है, परमात्मा दी बाणी है। ते तुहाडी व्याकरण इहदे विच गलती किवें कढ देवेगी? तुसी ते परमात्मा दे सामने एक कीड़े दी हस्ती हो, तुहाडियां पीएचडियां जां मेरे ग्रंथ पढ़े किहड़े काम ने? ये अपनियां सियाणपां बाणी तो लहदा पुस्तकां ते लागू कर दिओ भी फलाना कवि गलत लिखदा है मैं ठीक हाँ, बाणी ते तुहाडी व्याकरण नहीं टुकेगी। जैसी मैं आवै ये उस लोक दी बाणी है, जैसी मैं आवै खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो हों आप हो बोल ना जानदा मैं कहया सब हुक्माओ जियो। ये ते परमात्मा दा हुक्म है जो तुहाडे सामने गुरु अर्जन साहिब कहिंदे मैं रखिया है। गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे जो निज प्रभ मोह सो कहा सो कहे हो जग माहे, वट एवर द लॉर्ड सेड टू मी, जो परमात्मा ने मैनू कहा आई से द सेम इन द वर्ल्ड,
मैं उही कहांगा जो परमात्मा ने मैनू कहा है। बोलते परमात्मा दे ने ते तुसी अर्थ करन दा दावा किवें करदे हो भी साडे ही अर्थ ठीक ने, इस लोक दियां ते गल्लां ही नहीं है। ते जिसने ए बाणी दुनिया ते लियांदी है उन्नू ही पुछना बनदा है, महाराज सानू ते इहदे अर्थां दा बोध नहीं है, पर फिर भी तेरी बाणी दे ठीक अर्थ कौन कर सकदा है। वेखो ये बाणी कहदी है, इह बाणी महा पुरख की। वैसे तो चंगे गुणा करके आप कई बार सतपुरशा नू कह दिने महापुरश ने, पर सब तो महान है गुरु नानक परमात्मा। ये बाणी उहदी है, इह बाणी महापुरख की। दिस गुरबाणी इज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। फिर ध्यान रखियो, कदे भी बाणी पढ़न लग्या विचारन लग्या ये भुलेखा ना खा जायो भी तुहाडे मेरे वर्गियां दियां मामूली गल्लां ने। याद रखियो ये बाणी ब्रह्म दी है। निज घर वासा होए इह बाणी महापुरख की। जेड़ा इस बाणी नू पढ़ेगा, जीवन जाच ते मामूली गल है, दुनियावी प्रोफेसरां दियां किताबां पढ़ के भी सिख लोगे रहना बहना किस तरह है, पर दुनियावी विद्वाना दियां तुहाडियां मेरियां गल्लां पढ़ सुन के परमात्मा दे चरणां दा रस्ता नहीं मालूम होवेगा। गुरबाणी एक ऐसा नींह पत्थर है जिहड़ी परमात्मा दे चरणा ताईं पहुंचा दिंदी है। निज घर वासा होए, जिहड़ा साडा निजी घर है, अंतरीब तौर ते मन अंदर टिक जाणा जां परमात्मा दे चरणा विच जगह हासिल हो जाणी, गुरबाणी उत्थों दा रस्ता दसदी है, उस देश ताईं पहुंचा दिंदी है। हर सवाल दा जवाब गुरबाणी कोल है, मौजूद है। आओ गुरबाणी नूं पुछना करिए, महाराज ठीक कौन है ते गलत कौन है। साडे वर्गे दुनियावी लोक डिग्रियां हासिल करके पीएचडी करके दावा पए करदे ने भी तेरे अर्थ जैसे मैं कर दिंदा हाँ, कोई करन वाला पैदा ही नहीं होया, सारे वेद व्यास बने फिरदे ने। जेड़ा स्टेज ते बहिंदा है पहलियां दे अर्थां दे पोचे फेर के कहिंदा लो जी नवां ज्ञानां सों पैदा हो गया है। 300-400 साल तो बाणी दे सिद्धांत इतिहास दे सिद्धांत अर्थ बोध जो चल रहे ने उन्हां ते किंतु परंतु व्याकरण ते हंकार करके करदा है भी मेरे कोल दुनियावी ज्ञान बड़ा है। और दूसरे बन्ने कई ज्ञानी पुरश सतपुरश जिन्हां कोल दुनियावी विद्या ते नहीं है स्कूलां कालजां दी, उह कह दिंदे ने साडे अर्थ ठीक है बापू गुरु ग्रंथ साहिब, तू ये दस भी ठीक कौन है। संगत नू किसे बने ला दस भी ठीक कौन है। आओ प्रभु परमेश्वर गुरु ग्रंथ साहिब दे चरणां विच बेनती करिए। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आखन लगे, याद रखी भावें तू पढ़िया है भावें तू अनपढ़ है, मैनू इहदे नाल कोई मतलब नहीं है। पढ़िया है ते जीवन काल विच पदार्थां दी सोझी आउंदी है, समझ आउंदी है, जीवन जीवन विच सौख हुंदी है। अनपढ़ है अनपढ़ है ते जीवन फिर भी तेरा बतीत हो जाएगा। की गुरु नानक डिग्रियां ते जा अनपढ़ होण ते रीझदा है। गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने तू पढ़िया है अनपढ़ है, तू ज्ञानी है, तू नालायक है, तू विचारक है, मैनू इहदे नाल कोई मतलब नहीं है। मैनू ते मतलब इस गल नाल है, भावें तू पढ़िया है जां अनपढ़ है, तेरे अंदर मेरे प्रति किन्नी क प्रीति है, प्रेम है, भावना है। जेड़ा समुंदर नाल प्रेम ही नहीं करदा, जिन्हें समुंदर विच चुभी नहीं लाई, वह की दसेगा भी समुंदर दे अंदर कैसे कैसे पदार्थ पाए ने। जिन्हें चौंकड़े ही नहीं लाए, मुशक्कतां ही नहीं घालियां, नानक निरंकारी दी याद विच बैठा ही नहीं है। वेखो सौखी जी उदाहरण दवा, किसान वाई खेती करदे ने, हल चलाउंदे ने, मेरे वर्गा थोरैटिकली थ्यूरी पढ़ के आखे भी मैं वाई खेती कर लेना है ठीक नहीं है। जिन्ना चिर मिट्टी विच मिट्टी नहीं होवांगा, पैली विच पैर नहीं पावांगा, उन्ना चिर वाई खेती करनी नहीं आवेगी। पढ़ लेना ठीक है,
थोरेटिकली बाणी पढ़ी है ठीक है, जिन्ना चिर चौंकड़े नहीं, जिन्ना चिर चुभी नहीं, जिन्ना चिर मुशकता नहीं घालदा, जिन्ना चिर प्रैक्टिकल नहीं करदा। हुण बाणी ने ते कह दिता, बाणी ने ते कह दिता, उठदिया बहदिया हर नाम ते आवे, बहिंदिया उठदिया नाम जपना है। पढ़ मैं भी लिया, सुन तुसी लिया, तुसी पढ़ लिया, मैं सुन लिया, ना बहिंदिया ना उठदिया आपां ते बाणी पढ़ी कोई ना। जिन्ना चिर बाणी विच चुभी नहीं लाउंदा, जिन्ना चिर समुंदर विच तू चुभी नहीं लाउंदा, ये दावा नहीं तू कर सकदा भी तू जानदा है भी बाणी दे अर्थ की ने, समुंदर विच कैसे हीरे मोती ने, जानन लई चुभी लाउणी पैंदी है। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह कहिंदे, गुरु परमेश्वर विच जेड़ा अभेद है, भावें पढ़िया सी जां अनपढ़ सी, जिन्हों समुंदर नाल प्रेम है चुभी वो ही लवेगा, दूजा ते कंडे कंडे जा रहा है। जिन्हों गुरु नानक कहिंदे मेरे नाल प्रेम है, जेड़ा मेरी बाणी पढ़दा है, चौंकड़े लाउंदा है, मुशक्कतां घालदा है, श्वासा नाल मैनू चेते करदा है, मेरी बाणी दे ठीक अर्थ ही कर सकदा है। इत्थे डिग्रियां दी जां अनपढ़ होण दी कोई गल नहीं है, बाणी बिरलो विचार सी, विरला कोई बाणी दे सही अर्थ कर सकता है। ध्यान दिओ, मेरे दावे भी झूठे ने, ते बड़े बड़े पीएचडी करन वालेयां दे दावे भी झूठे ने। मैं कह रहा हाँ मेरे वर्गे अर्थ नहीं, वो कह रहे ने उन्हां वर्गे अर्थ नहीं, अपने सारियां च मैं बड़ी है। गुरु ग्रंथ साहब कहिंदे ने असल बाणी दी विचार कौन करदा है, असल अर्थ बोध किसनू है, बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। गुरु ग्रंथ साहब कहिंदे मेरे अल्फाजां दी व्याख्या, निरंकारी बोलां दी तुरकी बाणी दी व्याख्या, उस अगमी देश दे बोलां दी व्याख्या केवल गुरमुख कर सकता है। हुण गुरमुख जरूरी नहीं भी अनपढ़ ही गुरमुख होवेगा जां पीएचडी वाला ही होवेगा, गुरमुख होण दी इक कसवटी है। हुण जे पढ़ाई वल जाना है ते कबीर जी ने किसे स्कूल दा मूंह नहीं जे वेख्या, पर जिड़ा बाणी दा अध्ययन डूंघाई उन्हां कोल है, साडे कोल लखां जन्मां विच नहीं आ सकदी। क्यों जी? चुभी लाउंदे ने, रब दे नाम विच भिज्जे रहिंदे ने, ते किथे किथे पंडित जगजीत वर्गे 500-700 पंडित जित के दे नाम रख लिया जगजीत। गुरु नानक साहिब कहिंदे तेरे नाल विचार नहीं करनी असीं, तेरा ते सुभा ऐसा है, पढ़ पुस्तक संध्या बादं, तू ते किताबां बैशम बैसे लई पढ़दा है, विद्या ते परोपकार लई है, विद्या ते रब नाल लोकां नूं जोड़न लई है, तू ते विद्या नाल लोकां नूं तोड़दा है, झगड़े करदा है, झांडे पाउंदा है। ओ इत्थे पढ़ाइयां, इत्थे पढ़िया जां अनपढ़ां दी गल नहीं है, इत्थे गल ये है भी तेरे मन दे अंदर गुरु नानक निरंकारी दे प्रति अगर प्रेम है, ते गुरु नानक दे सारे भेद तैनू समझ आ जाणगे। गुरु नानक नाल इकमिक होवेगा ते उहदी बाणी दे अर्थ तैनू समझ लग जाणगे, ते जे गुरु नानक विच भेदता नहीं है ते तेरे फोके दावे ने केवल गुरमुख, जिहदा गुरु वल मुख है, जिहड़ा गुरु दे हुकम विच चलदा है, बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। महाराज कहिंदे इन्हां कथाकारां दे दावियां नूं मन्नण दी लोड़ नहीं है भी मेरे अर्थ ठीक ने, फलाना कहिंदा मेरे ठीक ने, गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे असल मेरे अर्थां दी सही व्याख्या गुरमुख कर सकदे ने। आओ हुण ध्यान दईए भी गुरमुख दी अवस्था की है, गुरमुख कौण है, गुरमुख कैसा है, और हुंदे बड़े थोड़े ने। दीन दुनिया दे मालक कहिंदे ने दुनिया दे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आलम, बड़े बड़े फाजल अपने आप नूं पूरे होण दा दावा पै करदे ने भी सारा ज्ञान असीं इकट्ठा कर लिया है, साडे तो बाहर कुछ भी नहीं है, डंके दी चोट ते ऐलान करदे ने। जगजीत कह रहा है 500 पंडित जिते आए, मेरे वर्गा कोई विद्वान नहीं है, पर की ब्रह्म दी विचार इह जाणदे ने, की गुरबाणी दे सही अर्थ इन्हां नूं आउंदे ने। ते गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह कहिंदे नहीं,
नहीं गुरबाणी दे असल अर्थ इन्हां नूं नहीं आउंदे। गुरबाणी दे अर्थ केवल फिर ध्यान दिओ, फिर इत्थे जोर दिओ, बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए ते हुण पुछिए बापू गुरमुख की है। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह सानू ये दस भी गुरमुख हुंदा की है। ते गुरु ग्रंथ साहिब ने गुरमुख की अवस्था बयान की है। आखन लगे गुरमुखिया मूह सोहने, गुरमुखिया मूह सोहने गुर कै हेत प्यार। देखो जेदे नाल प्रेम होवे, जेदे कोल रहिए, उदे सुभा दा उदे गुणा दा पता चल जांदा है। मैनू ते बाणी नाल प्रेम नहीं है। प्रेम दा मतलब है जेदे नाल प्रेम होवे उदे कोल फिर बैठे रही दा। साडे कोलों ते जपजी साहिब नहीं हुंदा, 35 वासियां आ जांदियां ने, साडे अंदर ते प्रेम ही नहीं है। जेदे नाल प्रेम है उदे कोल बैठे रही दा चतो पैर। गुर कै हेत प्यार, गुरमुख हो है जेड़ा गुरु नानक कहिंदे मेरे नाल प्रेम करदा है कैसा, जिवें मच्छी पानी तो बिना नहीं रहिंदी, गुरमुख बाणी तो बिना नहीं रहिंदा। संत बाणी नहीं छड सकदा, मच्छी पानी नहीं छड सकदी, ये दावा है बाणी ने कीता है। और शोभनीक ने जेड़े गुरु नाल प्रेम करदे ने उन्हां दी दुनिया विच शोभा है। सच्ची भगती सच रते दर सचै सचियार, वो कहिंदे गुरु नानक कहिंदे वो मेरी भगती करदे ने, वो सच्चे दी भगती करदे ने, वो सच बोलदे ने, वो सचियार ने। और जेड़े गुरु नानक कहिंदे मेरे नाल प्रेम करदे ने, आए से परवान है सब कुल का कर है उधार, वो आप ते मेरे नाल प्रेम पाके मुक्त हो ही गए ने 84 लाख तो, उन्हें अपनी कुल नूं भी मुक्त करवा लिया है। गुरमुख कौन है? गुरमुख हो है गुरु नाल ऐसी प्रीति करदा है जैसी मछली नूं नीर नाल है, जैसी कमल दे फुल नूं पानी नाल है, जैसी बबीहे नूं सवानती बूंद दे नाल है। जिमें चत्तो पैर बबीहा सवानती बूंद नू नहीं भुलदा, चकोर चन नू नहीं भुलदी, मच्छी पानी नहीं नहीं भुलदी, ते गुरमुख बाणी नू नहीं भुलदा। ये अवस्था बड़ी अगमी है। एक होर लक्षण दसा मैं गुरमुख दे, असल सही अर्थ कौन करदा है? साडे कोल अवस्था नहीं है, असी जतन कर रहे हैं अर्थ करन दे, पर रब दा वास्ता जे साडे दावे झूठे ने, असी पूर्ण तौर ते गुरबाणी दे ठीक अर्थ नहीं कर पाउंदे। दीन दुनिया दे मालक कहिंदे सुत्तियां गुरसा लाहीऐ, गुरमुख कौन? सुत्तियां गुरसा लाहीऐ उठदियां पी, गुर अलाओ कोई ऐसा गुरमुख जे मिलै हों ताके धोवा पाओ। कहिंदे गुरमुख ऐसे हुंदे ने मिल पैण ते चरण धो के पी लई, वह सुत्या गुरसा लाही है, वह सुत्या बुड़बड़ाउंदे भी खुदा दा नाम ने। जदों सारी दिहाड़ी वाहिगुरू वाहिगुरू करना ते सुत्या भी वाहिगुरू दे ही सुपने आउणे ने। असी सारी दिहाड़ी पैसा पैसा करना ते सुत्या भी थइयां ही गिणदे रहिंदे आ। दीन दुनिया दे मालक कहिंदे जे सौंदे ने ना फिर भी कहिंदे मेरा नाम जपदे ने, गुरु नानक दा नाम जपदे ने। भाई मरदाना जी सौंदे ने, भाई नंद लाल जी लेटदे ने, गुरु गोबिंद सिंह गुरु नानक दा ही नाम जपदे ने। ते जे उठदे ने ते फिर भी गुरु नानक निरंकारी दा नाम ही जपदे ने। गुरमुखां ने जप जप के एक अवस्था हासिल कीती है। साडी ते एक जुबान ही जपण दा जतन कर रही है ना। ते जेड़े उठदियां बहिंदियां सौंदियां जागदियां जपदे सन ऐसी अवस्था प्राप्त हो गई। लोक विद्वान कहिंदे ने 7 करोड़ शरीर ते रोम ने, ते साडी ते इक जुबान जपदी है गुरमुख रोम रोम हर त्यावै। कले कले रोम चो आवाज आवेगी धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक, उन्हां दा कला कला रोम जपन लग पिया है। और नाम जपन करके गुरमुख अंतर शांत है,
अंदरों शांत हो गए ने, आशा मुक गई है, मंगना मुक गया है, साडियां ते मंगा नहीं मुकदियां, मेरियां ते मंगा बड़ियां ने, असल गुरमुख दियां मंगा मुक गईयां ने, मन तन नाम समाए, मन करके नाम विच रंगिया है ते तन करके गुरु दी सेवा विच लग्या रहिंदा है। याद रखियो साडे अंदर कई आसा दे फुरने आउंदे ने, किसे दी महंगी गड्डी वेख के भी आ लैणी है, किसी की उच्ची कोठी वेख के भी आ कुली की जगह कोठी मिल जाए, पर जेड़े गुरमतीए ने नामो चितवै, चेते विच भी गुरु नानक का नाम ही है भी फलाना महापुरश एडा चौंकड़ा मारदा गुरु नानक कृपा कर, इहदे वांगू साडा भी लंबेरा चौंकड़ा हो जाए, नामो चितवै, उन्हां अंदर आशा मुक गईयां ने, वो नाम ही चेते करदे ने, नाम पढ़ै, उन्हां नूं दुनियावी किताबां कतूबां पढ़न दी लोड़ नहीं है, कबीर जी नूं लोड़ नहीं है दुनियावी किताबां पढ़न दी, उह ते नाम पढ़दे ने, नाम नूं चेते रखदे ने, नाम रहै लिवलाए जो पढ़िया, गुरु नानक निरंकारी नूं पढ़िया, गुरु नानक नूं चेते कीता, गुरु नानक विच ही लिव जोड़ के बह गए। इक गल दा ख्याल रखी, ध्यान लाउणा है, देवी देवते कबरां दे ध्यान लाया कुछ नहीं मिलेगा। भट्टा नूं किसे ने पुछिया सी किहदा ध्यान लाउंदे हो जदों चौंकड़ा ला के बहिंदे हो, मैडीटेशन करदे हो, किहदी याद विच बहिंदे हो, ते भट्टा ने एक बचन कीता सी, भट्ट साहिबाना दा बचन गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है, भट्टा ए आखिया जदों चौंकड़ा ला के बहिंदे हां, कोई पत्थर दी मूरत, कोई देवी देवता, कोई सगी सरवर कबर दी याद नहीं है साडे अंदर, ओ मन दा भांडा एक है, ओ झोली एक है मन दी, एक भांडे विच ते एक वस्तु ही पैंदी है, साडे कोल इन्ने देवी देवतियां लई मन अंदर जगह ही है नहीं है, किसे ने पुछया किहदे लई जगह है, ते भट्टा ने जिक्र कीता सी, कनहर बूंद बसो रो मावल कुसुम बसंत गनंत ना आवै, रव सस किरण उदर सागर कौ गंग तरंग अंत को पावै, रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कवजन भल उन्हें जो गावै, पल्ले अमर दास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन, रुद्र ध्यान, रुद्र वर्गे शिवजी वर्गे बड़े बड़े देवते जेड़े भल्या दे गुरु अमरदास दा ध्यान धर के बहिंदे ने, भट कहिंदे साडे मन दे भांडे विच ते उहदा ही ध्यान है, होर किसे लई जगह ही है नहीं है। दीन दुनिया दे मालक कहिंदे गुरमुख है नामो चितवै, जेड़े गुरु अमरदास दा नाम चेते करदे ने, नाम पढ़ै, नाम पढ़दे ने, नाम रहै लिवलाए, उहदे नाम विच जुड़ जांदे ने, उठदियां बहिंदियां त्यौंदे ने। हुण मैं दावा करां भी मेरे बाणी दे अर्थ ठीक ने, पहला मैं अंदर झाती मारां भी की मेरी अवस्था है बहिंदियां उठदियां नाम जपण वाली। ओ भाई जी तुसीं PhD कर ली, तुसीं विद्वान बन गए, ठीक है, दुनियावी विद्या दी PhD करो, ठीक है, तुसीं कहिंदे हो मैं दसम बाणी ते गुरु ग्रंथ साहिब ते PhD कर ली, इहदी डूंघाई PhD नाल मापी नहीं जानी, इहदी डूंघाई मापनी है, ते गुरमुख बन जा, चुब्बी मार, चौंकड़े ला, बाणी दा अभ्यास कर, ते फिर किते कबीर जी फरीद वर्गी डूंघाई आवेगी, स्कूलां कालजां दे ते मूंह नहीं वेखे उन्हां ने, ये सब दावे झूठे ने। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दे अर्थो कर सकदा है जेड़ा गुरमुख है, असीं ते जतन कर रहे हैं, दावा नहीं कर सकते भी साढ़े अर्थ ठीक ने। आओ आओ गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दे चरणा विच अभेद जेड़े गुरमुख ने बेनती करिए, सानू वो अवस्था मिले, ते गुरु ग्रंथ साहिब तुहाडी अगमी देश दी बाणी दी समझ इत्थे टिक जावे, सानू आ जावे, दुनियावी समझ सानू बड़ी है, घर छड के आया करो, इत्थे गुरमुख बनो, इत्थे गुरु वल मुख करो, इत्थे मन दा भांडा सियाणपां तो खाली करो, इत्थे सिख बन के सिखण आओ, ना के सिखाओ भी मैं अगे सब कुछ जानदा, मैं की समझदा बाणी की कहिंदी है, ये मैं घर छड के आयो अनहद बाणी, जदों गुरमुख बन गए ना, ते गुरमुख कालजां विच नहीं बनिया जाएगा, गुरमुख गुरु की गोद विच बह के बनिया जांदा है। महाराज कहिंदे ने अनहद बाणी
गुरमुख जानी, गुरमुखा ने मेरी बाणी दे अर्थ जान ले ने, बिरलो को अर्थावै। महाराज कहिंदे अनहद बाणी गुरमुख जानी बिरलो को अर्थावै। कोई विरला गुरमुख बनिया है, विरला है दिन रात जपण वाला, ते विरला है बिरलो को अर्थावै जिनू अर्थ करने आ गए बाणी दे। मैनू अर्थ किथे आउंदे ने, मैं ते जतन करदा है। गुरु ग्रंथ साहिब दे चरणां विच बह के बेनती करिया करो भी मेरे वर्गे किताबां पढ़ के दावे बड़े करदे ने, पर साडी औकात छज्जू झीवर नालों वध के नहीं है। वो तू कमलिया रमलिया नू चतुर भगते बना दिना है, होर ते होर जिन्हां दी जुबान मां दे गर्भ तो पैदा हुंदिया ही एक अल्फाज ना बोल सकी, उन्हां छज्जू झूर वर्गिया नू गुरु हरकृष्ण साहब गीता दे संस्कृत दे अर्थ करा दिना है। मेरे वर्गे नाचीज ते कृपा कर, ते मेरी झोली अपनी बाणी दे अर्थ पा जो संगत ना सांझे कीते जान। तरला लिया करो इत्थे आके गुरु हरकृष्ण अगे, ते जदों गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह अगे तरला लोगे ते की नहीं कर सकता। गुर करता गुर करण हार है जी। गुंगा किदां बोलिया, गुरु ग्रंथ साहब गुंगा किदां बोलिया, की गुंगा बोल सकदा है, की गुरु विच बरकतां ने कमले रमले ज्ञानी बन सकदे ने। कहिंदे गुर करता गुर करण हार, गुरु नानक गुरु हरकृष्ण करते ने चौण ते गुंगियां नूं भी चतुर भगते बना दिंदे ने। आओ आओ इस अगम्मी बाणी दे नाल जुड़न लई इहदे अर्थ करन दा जतन आपां करना है, ते गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह दे चरणां विच सनेबर बेनती करिए भी कृपा कर, ते इह जिहड़ी दसम पातशाह दी बाणी है अर्थ बोध करवा लै संपूर्ण तौर ते, ते तेरी बाणी दा अंत कोई नहीं है। संपूर्ण तौर ते, ते समुंदर विच चुभी ला के हीरे जवाहरात सारे नहीं कढे जा सकदे, एक दो मोती ते झोली पा दे, एक दो अर्थ ते हिरदे विच वसा दे, साडा जीवन सफला हो सके। अकाल उस्तत दे विच ए त्वै प्रसाद सवैये मौजूद ने। दसम बाणी नू जदों ध्यान नाल पढ़ोगे, ये 34-35 अंग दे उत्ते बाणी दर्ज है। जिमें दीन दुनिया दे मालक गुरु नानक निरंकारी पातशाह ने जपजी साहब की रचना की, दसम पातशाह ने जाप साहब रचिया। जिमें गुरु नानक निरंकारी दे पंजवें जामे गुरु अर्जन साहब ने सुखमणी साहब की रचना की, गुरु नानक निरंकारी दे दसवें जामे ने अकाल उस्तत रची है। परमात्मा की वडियाई जिमें सुखमणी विच वडियाई है, सुखां नूं बख्शण वाले खुदा दी वड्याई है, अकाल उस्तत विच उसे प्रभु दी वड्याई है। इस विचार नूं कल नूं अगे वधावांगे। आओ पहले शब्द दी व्याख्या आरंभ करिए। दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह कुछ साधु संत चरणां विच बैठे सन। एक दो विच शंकावादी भी हुंदे ने, आनंदपुर साहिब दी धरती ते सुशोभित ने, ते एक दोवां ने कह दिता जी तुसीं दावा पए करदे हो भी हर एक दी पालना वो करदा है। कुछ उहदी वडियाई दे अंश, परमात्मा दी वडियाई दे अंश साडे नाल पातशाह सांझे कर दिओ। ते महाराज ने फिर इत्थों बाणी अकाल उस्तत दे विच जिहड़े त्वै प्रसाद सवाईए अंकित ने उह आरंभ करदे ने, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी त्वै प्रसाद सवाईए, तेरी कृपा नाल इह जिहड़ी बाणी उचारन लगे पातशाह कहिंदे ने, काव रचना नू सारे नू सवाईए कहिंदे ने। आखण लगे दीनन की प्रत पाल करै, नित संत उभार गनीमन गारै, पश पशु नग नाग नरा तप सर्ब समय सब को प्रित पारै। गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह आखण लगे ध्यान दो, परमात्मा एक ऐसी हस्ती है जेड़ा गरीबां दी पालना करदा है, गरीबां ते दया करदा है, झुकण वालियां दियां झोलियां भरदा है,
साधुआं सत पुरशां दी रखिया करदा है ते सत पुरशां गुरमुखां दे दुश्मनां नूं गाल के सुट दिंदा है। परमात्मा दे गुण इस बाणी विच बयान करने ने। देखो ध्यान दिओ, जपजी ते जाप सुखमणी ते अकाल उस्तते दी गल दास क्यों करदा है? प्रभु ने जगत जलंदे नूं तारन दे लई, जगत जलंदे दे तन दे रोग तुहानूं पता ने बड़े ने, मन दे रोग काम क्रोध लोभ मोह हंकार दूर करन लई, साडियां चिंतावां नूं मिटाउण लई, दुखां कलेशां दा नाश करन लई, जिवें लगी हुई अग ते पाणी दा छिटा दईए अग बुझदी है, साडे अंदर ईरखा द्वैत काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी अग लगी है, शरीर नूं रोगां दी अग लगी है, इस अग नूं बुझाउण दे लई तुरकी बाणी दुनिया ते लैके आंदी। गुर की बाणी जिस मन वसै ते जिन्हें इस बाणी नूं पढ़ लिया, मन विच वसा लिया, दुख दर्द सब ताका नसै। गुर की बाणी जिस मन वसै, जिन्हां अंदर गुरु दी बाणी वस गई उन्हां दे दुख दलिद्र दूर हो गए। इत्थे ध्यान दिओ, दुख दर्द जेड़े दुख ने शरीर नूं, जिन्हां करके शरीर नूं दर्द बड़ा हुंदा है, कई रोग ने बीमारियां ने असीं दर्द विच कुरलाउंदे हां, बाणी शरीर दे दर्द भी दूर करदी है। बाणी काम क्रोध लोह मोह हंकार रूपी रोग, तन दे रोग, मन दे रोग भी दूर करदी है। जन नानक बोलै ब्रह्म विचार जो सुणै कमावै सो उतरै, पार ते 84 लख जून तो मुक्ति भी बाणी दवाउंदी है। ये बाणी लियाउण लई परमात्मा ने 10 जामे धारे, गुरु नानक पातशाह तो लैके गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तक 10 जामे धारे। जदों गुरु नानक दे रूप विच कह दिता, जैसी मैं आवै खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, गुरु अर्जन दे रूप विच कह दिता, जो वाहिगुरु आखण लगे हों आप बोल ना जानदा मैं कहया सब हुक्म आओ जियो, गुरु गोबिंद सिंह दे रूप विच कह दिता, जो निज प्रभ मोह सो कहा सो कहे हो जगमाहे, की दसां पातशाहियां दे अल्फाज बाणी मनने चाहिए ने, की गुरु नानक वाली जोत दसम पातशाह विच मौजूद है? जे गुरु नानक दी बाणी तुरकी बाणी है ते दसम महाराज दी बाणी तुरकी बाणी क्यों नहीं है? गुरु ग्रंथ साहिब नूं पुछणा आपां, गुर गोविंद गोविंद गुरु है नानक भेद ना पाई, गुरु नानक ते परमात्मा विच रंचक मात्र फर्क नहीं है। उही परमात्मा गुरु नानक वाली जिहड़ी जोत सी, जोत ओहा जुगत साई सह काया फेर पलटी है, उही जोत गुरु अंगद गुरु अमरदास गुरु रामदास गुरु अर्जन गुरु हरगोबिंद गुरु हर राय गुरु हर कृष्ण गुरु तेग बहादुर गुरु गोबिंद विच समाई, ते उही जोत अज गुरु ग्रंथ साहिब विच शोभित है। जदों जोत होई है ते फिर अल्फाज वखरे किवें ने, जदों जुगत होई है फिर अल्फाज वखरे किवें ने? गुरु गोबिंद सिंह महाराज विच गुरु नानक दी जोत है, गुरु नानक तुरकी बाणी लैके आए ने ते कलगीधर कहिंदे मैं भी जो निज प्रभ मोह सो कहा सो कहो जगमाहे तुरकी बाणी लैके आया है, पर ठीक है। कहिंदे मैं रुतबा गुरु दा गुरु ग्रंथ साहिब नूं बख्श दिता है, भावें अपनी बाणी दसम बाणी भी उचारी है। इस बचन नूं साबित करन लई इक साखी भी है, कल दे दीवान विच आपां उह साखी आप संगत नाल सांझी करांगे, किवें गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह भावें शरीर वखो वख ने, बाणी एक है, सिद्धांत एक है, बचन एक ने उन्हां दे। इत्थे दास विचार नूं संकोच लवे, पुल चुक दी खिमा गज वज के फतेह बुलाइए, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।